तुर्की और सीरिया में भूकंप से हालात बदतर होते जा रहे हैं। अब तक 21,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, घायलों की संख्या 64,000 के करीब हो गई है। तुर्की में 14,351 लोगों की जान अब तक जा चुकी है और 35,000 से ज्यादा लोग घायल हो सकते हैं। वहीं सीरिया में 3,162 लोग मारे गए और 4,000 से ज्यादा जख्मी है। सीरिया में मरे गए लोगों को जो है दफनाने के लिए सामूहिक कब्रें बनाई गई है। भूकंप के चलते तुर्की, अंटकिया, सिनीरफा और सीरिया का अलेप्पो शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। इन देशों में पानी और बिजली की सप्लाई भी बंद है। लोग शेल्टर होम्स में रहने को मजबूर है। यहाँ खाने की चीजें नहीं मिल पा रही। लोगों का कहना है कि मदद मिल रही है लेकिन वो बहुत कम है। एक्सपेंडिचर वाले घंटाटे शहर के लोगों का कहना है कि तबाही के 12 घंटे बाद भी उन तक मदद नहीं पहुंची थी। हालांकि 95 से अधिक देशों ने मदद इनके लिए भेजी है।